प्लीज हटिए। सर मेरा नाम गगन है, मैंने ही आपको फोन किया था। प्लीज हटिए। लाश को हाथ तो नहीं लगाया? नहीं सर। सर लगता है मर्डर से पहले इनके साथ हाथापाई हुई है। आसपास तो कोई सामान दिख नहीं रहा इनका, शायद इनको कहीं और मारा और फिर लाश यहाँ पे डाल दी। लेकिन सर खूनी ने लाश फेंकने के लिए ऐसी खुली जगह क्यों चुनी? इसे तो कोई भी आसानी से देख सकता है। हो सकता है उसके पास टाइम नहीं होगा, हड़बड़ी में लाश ठिकाने लगाई और निकल गए यहाँ से। सर लगता है ये लड़की पार्टी करने गई थी, इसके हाथ पे क्लब का स्टैंप है, क्लब जेरी। क्लब जेरी? यहाँ आसपास तो दूर दूर तक कोई क्लब वगैरह है नहीं, मतलब काफी दूर से आ रही थी ये लड़की। रेडी, ये क्लब जेरी के बारे में सारी डिटेल्स निकालो। सर शायद खूनी इसके साथ क्लब में हो और फिर वही इसे यहाँ पर लेकर आया हो। हो सकते हैं, लोग अक्सर शराब के नशे में जम कर जाते हैं। मार पिटाई के जख्मों से तो नहीं लगता कि ये मौत की वजह रही होगी। बॉडी को फोरेंसिक लैब भेजो, सड़ों के साथ ही बताएंगे कि मौत की वजह क्या है। हाँ रुक सर, कुछ पता चला इस लड़की के बारे में? हाँ दया, एक बात तो कंफर्म है कि ये लड़की कल रात को किसी पार्टी में गई थी, क्योंकि इसके पेट में से मुझे शराब मिली है और एक ड्रग मिली है, नशीली ड्रग। कहीं से ड्रग ओवरडोज तो नहीं हुआ? नहीं पूर्वी, इसकी मौत की वजह ड्रग ओवरडोज नहीं है। तो फिर? इसकी मौत हुई है दम घुटने की वजह से, क्योंकि इसके दांतों के बीच में मुझे ये ब्राउन कलर के कपड़े का रेशा मिला है। लेकिन सालू के साहब, इस लड़की ने तो ब्राउन कलर के कपड़े नहीं पहने थे। मैंने कब कहा फ्रेडी कि इसने ब्राउन कलर के कपड़े पहने थे? फ्रेडी, किसी ने ब्राउन कलर के कपड़े से इसका मुंह दबाया, इसका दम घोटने की कोशिश की, जिसकी वजह से इसकी मौत हुई। और वो ब्राउन कलर का कपड़ा खूनी के पास होगा। अब बात यह है डॉक्टर साहब, अगर खूनी ने इसके साथ वो सब किया है जो आप बता रहे हैं, क्लब के अंदर या क्लब के बाहर, तो फिर इस लड़की ने अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी, चीखी होगी, चिल्लाई होगी, तो फिर किसी ने कुछ सुना कैसे? नहीं, किसी ने इसलिए नहीं सुना क्योंकि खूनी जब इसकी जान ले रहा था ना, उस वक्त ये बेहोश थी। बेहोश? हाँ बेहोश, क्योंकि इसके पेट में मुझे कॉफी मिली है और उस कॉफी में बेहोशी की दवाई मिलाई गई थी। कमाल है सालूम के साहब, मतलब इस लड़की ने एक साथ कॉफी भी पी और शराब भी पी। ज्यादातर डिस्को में कॉफी तो नहीं मिलती, इसका मतलब है इसका खून क्लब से बाहर निकलने के बाद ही हुआ है। बिल्कुल दया, ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि उसकी मौत का वक्त है रात को 2 बजे से 4 बजे के बीच। तो फिर डॉक्टर साहब ये बात पक्की है कि इसकी मौत पार्टी से निकलने के बाद ही हुई है, क्योंकि वो डिस्क तो बैनर में है और इसकी लाश मिली करीब 30-40 किलोमीटर दूर। करेक्ट सर। सर क्लब से इस लड़की का डिटेल्स पता लगती है। तो क्या पता चला? सर इसका नाम तारा कुमार है। और कुछ? सर कल रात वहाँ पे एक प्राइवेट पार्टी चल रही थी और ये वहाँ से 11:15 बजे वहाँ से निकली। रात 11:15 बजे? सर ये तारा तो पार्टी छोड़ के जा रही है। हाँ, उसे एक फोन कॉल आता है और हड़बड़ी में निकलती है यहाँ से। एग्जिट का फुटेज देखते हैं। तारा क्लब से बाहर निकलती है और उसके पीछे पीछे ये 2-3 लोग भी क्लब से बाहर जा रहे हैं। सर शायद उन्हीं इन्हीं में से कोई हो। सर हाँ, कल रात में जो लोग पार्टी के लिए आए थे वो आ गए। चलो देखते हैं। सर वो आप इस क्लब के मैनेजर हो? यस सर। कल रात यहाँ पे जो प्राइवेट पार्टी थी वो किसने रखे थे? सर मिस्टर जॉन ने। हाँ सर, पार्टी तो मैंने रखी थी, पर मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि तारा हमारे बीच नहीं रही। आप तारा को कैसे जानते थे? तारा मेरी कॉलेज फ्रेंड है, पिछले 2 सालों से वो अमेरिका में रह रही थी और 2 दिनों में वापस वो अमेरिका जाने वाली थी। ओ,
तो वो अमेरिका से यहाँ पे अकेली आई थी या साथ में कोई और भी था उसके? नहीं सर, वो उसकी शादी हो रही थी वहाँ पे, तो उसकी होने वाली सास के साथ वो यहाँ आई थी। तो वो दोनों आप में से किसी के साथ रुके हुए थे? नहीं मैम, वो लोग कांदीवली के किसी होटल में रुके थे। सर वो एक्चुअली तारा है ना, वो पार्टी में कुछ और टाइम रहने वाली थी लेकिन फोन आया और वो चली गई। आप कौन है? सर मैं सोनिका हूँ, मैं तारा की फ्रेंड। तो कल रात जब तारा इस क्लब से बाहर गई थी तो साथ में कौन गया था? कल रात तारा के साथ क्लब से बाहर कौन गया था? देखो झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देख लिया है। सर सर मैं गया था तारा के साथ, आई एम सॉरी, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। तो बताइए क्लब से निकलने के बाद तारा के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था? सर एक्चुअली तारा को पार्टी छोड़ के जाना पड़ा, सो मैंने सोचा कि उसे ड्रॉप कर दूं अपनी कार से। तो आप वो आखिरी इंसान हो जिसने तारा को जिंदा देखा था? हाँ देखो मैंक, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुम कितने बड़े मुसीबत में फंस चुके हो। सर मुझे जाने दीजिए, मैं निर्दोष हूँ सर। नहीं हो, तुम निर्दोष नहीं हो। तारा तुम्हारे साथ निकली थी उस पार्टी से, मगर उसे जहां पर पहुंचना था वो वहां पर नहीं पहुंची, और दूसरे दिन सुबह उसकी लाश मिलती है। इसका मतलब समझते हो तुम? शक की सुई तुम पर आकर अटकती है, सिर्फ तुम पर। सर मैं सच कह रहा हूं सर, तारा का खून मैंने नहीं किया। सर मैं आप लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शुरू से बताओ क्या हुआ था। मैं तो तारा की मदद करना चाहता। कुंदन, ये आदमी मुझे कभी चांस से जीने देगा भी या नहीं? कहा था ना मुझे कभी फोन मत करना। मैंने ये बताने के लिए तुम्हें फोन किया है, जो तुम्हारी दूसरी शादी करने का सपना है ना, वो सिर्फ सपना ही बन के रह जाएगा। जा रहा हूं मैं तुम्हारे होटल में तुम्हारी सासू माँ से मिलने, उन्हें जाके सब कुछ बता दूंगा। खबरदार जो ऐसा किया तो। कुंदन हेलो, मुझे जाना होगा। तारा क्या हुआ? मयंक मैं जा रही हूँ, मुझे अर्जेंटली होटल जाना होगा। तारा मैं तुम्हें मेरी गाड़ी से होटल तक ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है। हुआ? I think पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल खत्म हो गया? अब मैं होटल कैसे पहुंचूंगी? मयंक मेरे फोन की बैटरी भी डेड हो गई है। तारा डोंट वरी, मैं मैकेनिक को कॉल करता हूँ। चंदू यार ये मेरा जेएच रोड पर गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, तू पेट्रोल लेके आ जाएगा एज़ सून एज़ जितना जल्दी हो सकता है? 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे? इतना टाइम नहीं है मयंक, मैं किसी से लिफ्ट ले लेती हूँ। तारा बात सुनो, तारा 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 समझने की कोशिश करो, इतनी रात को लिफ्ट लेना सेफ नहीं है। मयंक मैं ऑलरेडी लेट हो गई हूँ। जी बेटी, आप मुझे कांदीवली तक छोड़ देंगे प्लीज? थोड़ा अर्जेंट है, हमारी गाड़ी खराब हो गई है। हाँ हाँ जरूर, आओ पीछे बैठ जाओ। मयंक मैं तुझे होटल पहुँच के फोन करती हूँ। थैंक्स। चलो ठीक है, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि तुम जो कुछ बोल रहे हो वो सच बोल रहे हो। तो ये बताओ जिस कार से तारा ने लिफ्ट ली उसका नंबर क्या था? सर एक कार का नंबर तो नोट नहीं कर पाया। कमाल है, कैसे दोस्त हो तुम? एक तरफ कह रहे हो कि तुम्हें तारा की बहुत फिक्र हो रही थी, और दूसरी तरफ वो एक अनजान गाड़ी में बैठ के चली जाती है, तुम उसका नंबर तक नोट नहीं करते? सर उस वक्त दिमाग इतना खराब था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो कार का नंबर नोट नहीं कर पाया सर। तो फिर तारा को फोन करके ये तो पूछ सकते थे ना कि वो सही सलामत पहुंची या नहीं, या फिर तुम्हें उसकी जरूरत भी नहीं लगी। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि तारा के मोबाइल की बैटरी पूरी तरह लो हो गई थी। तो होटल में जाके वो चार्ज कर लेगी? कोई भी एक नॉर्मल सोचने वाला आदमी यही सोचेगा कि मैं उसे बाद में फोन करके पूछूंगा, ऐसा तुमने नहीं किया। क्यों? सर मैंने सोचा वो खुद ही होटल पहुंचकर
फोन चार्ज करके कॉल करेगी मुझे। ठीक है, फिलहाल तुम जा सकते हो, पर अपनी गाड़ी यहाँ पे छोड़ के जाना, हमें चेक करना है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ दे, क्या लगता है सर, एक कबूतर सच बोल रहा है या झूठ? गड़बड़ है दया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। एक तरफ अपने दोस्त की इतनी परवाह कि पार्टी बीच में छोड़कर उसे घर छोड़ने जाता है, और दूसरी तरफ इतनी लापरवाही कि उसी दोस्त को वो किसी अनजान आदमी के गाड़ी में बिठाकर भेज देता है। ये भी पता लगाने की कोशिश नहीं करता है कि अपनी दोस्त सही जगह पर पहुंची भी या नहीं। हाँ सर, कुछ काला तो है इस मयंक की दाल में। सिल्वर रंग की गाड़ी थी ना वो जिसमें उसने भेजा उसे? हाँ सर, कह रहा था कि उसमें कोई बुजुर्ग पति पत्नी बैठे थे। चलो ठीक है, मयंक का सच तो हमने सुन लिया, अब तारा का पहला पति कुंदन वो क्या कहता है सुनते हैं। चलो सर, आप मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हैं? सर सर मैंने क्या किया है? एक मिनट बैठो। सर तारा ने मुझसे कहा था कि मेरा इंतजार ना करे, इसलिए मैं सो गई थी, पर सुबह 6 बजे जब मेरी नींद खुली तब मैंने देखा तारा तो वापस आई ही नहीं, और मुझे क्या पता था ऐसा कुछ हो जाएगा। सर इसने ही मारा होगा तारा मैडम को, कल इसने हमारे होटल में तोड़फोड़ की थी और खुलेआम सबके सामने कहा था कि वो तारा की जान ले लेगा। तारा कुमार कौन से कमरे में ठहरी है? आप कौन? कुंदन। सॉरी सर, हम अपने गेस्ट की कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। देखिए मैं उसका पति हूं और मेरा पूरा हक बनता है ये जानने का कि वो कौन से कमरे में ठहरी है, तो आप मुझे जल्दी से उसका कमरा नंबर बताइए, जल्दी। देखिए वैसे भी इस वक्त वो कमरे में नहीं है। गुड, मुझे उससे कोई बात भी नहीं करनी है, जो उसके साथ में लेडी ठहरी है मुझे उससे बात करनी है। सॉरी सर, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। तो मुझे अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी। गुड, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? क्या बदतमीजी है? रो भाई, छोड़ो मुझे, छोड़ो, ले जाओ, ले जाओ। उसे बोल देना मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा और डाइवोर्स तो कभी नहीं दूंगा। क्या कह रहे हैं, सच है? हाँ सर सच है। सर मैंने तारा को फोन करके कहा था कि मैं उसकी होने वाली सास को सब कुछ बता दूंगा, उसका भांडा फोड़ दूंगा, और इनके होटल में भी मैंने तोड़फोड़ की थी, और सर धमकी भी मैंने दी थी, लेकिन सर इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने उसको मारा है, सर उसको किसी और ने मारा है। तारा ने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया और मैं उसे एक अच्छी लड़की समझती थी, और उसने मुझे ही धोखा दे दिया। अच्छी लड़की, कोई मुझसे पूछे, उसके उसके पति से पूछे, सर छोटी छोटी बात पे झगड़ा किया करती थी, और कई बार उसने मुझे हाथ भी उठाया। इसलिए तुमने उसे जान से मार दिया? सर मैंने उसे नहीं मारा, मैंने पहले भी कहा है आपको, सर मैं उसका इंतजार कर रहा था होटल के बाहर, लेकिन वो होटल पहुंची नहीं। लेकिन वॉचमैन तो कह रहा था कि उसने तुम्हें होटल के बाहर कहीं देखा ही नहीं। सर उसने कहा और आपने मान लिया, सर क्या पता वो अपनी ड्यूटी अच्छे से ना कर रहा, और सर आप भी अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रहे हैं, मुझे जाने दो। CID को अपनी ड्यूटी सिखाने की कोशिश मत करना, समझे? पछताएगा। पंकज इसे अंदर बिठाओ, और तब तक बिठा के रखो जब तक ये पता नहीं चल जाता कि असली खूनी कौन है। सर सर अगर आप खूनी को 6 महीने तक नहीं पकड़ पाए तो मैं 6 महीने तक यहीं पे रहूंगा क्या? सर 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 मेरी बात सुनिए सर। सर अगर वाकई कुंदन होटल के बाहर था तो फिर खूनी कौन हो सकता है? शायद मयंक। देखते हैं उसकी गाड़ी से क्या सुराग मिलता है। मैच मिल गया सर। किसका है? हैंड ब्रेक पे जो उंगलियों के निशान मिले हैं ना, वो तारा के। कमाल है, हैंड ब्रेक पे तारा की उंगलियों के निशान, गाड़ी के लेफ्ट साइड की मैट पर सूखा हुआ खून,
तारे का गाड़ी मैन चला रहा था तो तारा ने हैंड ब्रेक क्यों खींचा होगा? और चोट तारा को लगी है, मैन को नहीं, राइट? तारे का एक काम करो, ये उंगलियों के निशान और ये सूखा हुआ खून, ये दोनों हम लैब में लेकर के चलते हैं। वहां टेस्ट करने के बाद पता चलेगा कि ये सूखा हुआ खून किसका है। तारिका, ये डीएनए की रिपोर्ट तो यही बता रही है कि ये मैट पर जो खून मिला था, ये खून तो तारा का ही है। और हैंड ब्रेक पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले वो भी तारा के हैं। तो इसका मतलब हुआ ये होगा तारिका, तारा ने झटके के साथ हैंड ब्रेक को खींचा, उसकी नाक पर चोट लगी और नाक पर से खून मैट पे जाकर के गिरा। इसका मतलब मयंक झूठ बोल रहा था। बताओ मयंक, गाड़ी तुम चला रहे थे या तारा? सर, गाड़ी मैं ही चला रहा था। झूठ, और एक झूठ। अगर गाड़ी तुम चला रहे थे तो तारा की उंगलियों के निशान कैसे हैंड ब्रेक पर? सर, पता नहीं सर। तारा का खून कैसे मिला गाड़ी में? कैसे मिला बताओ? इसका एक ही मतलब है, तुमने तारा को मारा है। सर माफ कर दीजिए सर, मुझसे गलती हो गई, पर तारा को मैंने नहीं मारा सर। सर बस छोटा सा झूठ बोला सर। झूठ बोला? मजाक लग रहा है तुम्हें ये? एक लड़की की जान चली गई है, समझे तुम? सर आई एम सॉरी सर, आई प्रॉमिस, अब जो भी कहूंगा ना सच कहूंगा सर। तो बताओ जल्दी। जिंदगी हर किसी को खुशियां पाने का दूसरा मौका नहीं देती, और मुझे मौका मिला है, मैं इसे गवाना नहीं चाहती मयंक। डोंट वरी तारा, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। तुम कुंदन को नहीं जानते मयंक, अगर उसने मेरी होने वाली सासू माँ को सब कुछ बता दिया तो सब खत्म हो जाएगा। ओ गॉड, मेरे फोन की बैटरी भी अभी जानी थी। मयंक प्लीज मुझे अपना फोन दोगे? हेलो, या दिस इज तारा कुमार, रूम नंबर 603 से। जी देखिए, अगर मुझसे या मेरी सासू माँ से कोई भी मिलने आए होटल में तो प्लीज़ आप उसे वापस भेज दीजिएगा। जी उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहती कि उन्हें कोई डिस्टर्ब करे। जी थैंक यू। मयंक थोड़ा तेज चलाओ ना। तारा तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही तेज जा रही हो? आई मीन कभी ना कभी तो उन्हें सच्चाई का पता चलेगा ही ना, तो तुम उन लोगों को धोखे में क्यों रख रही हो? मयंक प्लीज, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए। हाँ तुम थोड़ा जल्दी चलाओ, मुझे होटल पहुंचा दो। देखो तारा, तुम जानते हो कि मैं तुम्हें कॉलेज के टाइम से चाहता हूँ और तुम्हें पसंद भी करता हूँ। मैं तुम्हें आज भी उतना ही चाहता हूँ जितना कॉलेज टाइम पे चाहता था। मयंक मेरी यहाँ बसी बसाई जिंदगी उजड़ने वाली है और तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो। देखो तारा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मयंक प्लीज गाड़ी रोको। तारा बच्चों जैसी बातें मत करो। ओह गॉड, तारा तुम ठीक हो? मयंक प्लीज, मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था। तारा आई एम सॉरी, मेरा इंटेंशन नहीं था तुम्हें हर्ट करने का। मयंक प्लीज कहने दो। तारा बात समझो। तारा आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं जानता हूँ। मयंक प्लीज रहने दो। तारा ये लिफ्ट लेना ठीक नहीं होता इतनी रात को। कौन है क्या है हम नहीं जानते। यस बोलिए। आप मुझे कांदीवली तक छोड़ देंगे? अर्जेंट है प्लीज। हाँ ठीक है बैठिए। अरे क्या मतलब हुआ तारा ये? आइए बैठिए। तारा तुम ऐसे कैसे जा सकती हो यार? मुझे नहीं पता था कि प्यार का इजहार करना इतना महंगा पड़ जाएगा सर। मतलब वो भी झूठ था कि तारा किसी बूढ़े कपल के साथ गाड़ी में गई? सर वो सिल्वर कलर की कार नहीं बल्कि व्हाइट कलर की एसयूवी में गई थी, तो दो लड़के और एक लड़की भी थी सर। कितने बजे की बात है ये? रात 12 बजे की बात है सर। रात के 12 बजे, ठीक है। पूर्वी, ट्रैफिक सिग्नल पर जो सीसीटीवी कैमराज है उनका फुटेज चेक करो, देखो 12:15 के बीच में ऐसी कोई गाड़ी वहां से गुजरी थी क्या, और अगर नहीं गुजरी है तो इस मयंक को अंदर डाल दो। सर
सर, सर रात 12:15 बजे वहां से एक व्हाइट कलर की एसयूवी गुजरी तो थी, आरटीओ से उसके डिटेल्स मिल गई। गुड, अब उस गाड़ी के मालिक को और गाड़ी में जो भी लोग बैठे थे उन सबको ब्यूरो में लेकर आओ। ZX05ZX8596 ये तुम्हारी गाड़ी है? सर वैसे तो गाड़ी मेरे नाम पे है, लेकिन हम तीनों बहन भाई उसे इस्तेमाल करते हैं सर। क्यों सर, इस नंबर की गाड़ी रखना कोई जुर्म है क्या? गाड़ी रखना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन तुम लोगों की कुंडली देखी हम लोगों ने, पिछले 10 साल में 5 बार जेल गए हो, कभी चोरी, कभी डकैती, लूटपाट, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है तुम लोगों का। हैं सर, ये सब तो बहुत पुरानी बातें हैं, जब से कानून ने हमें रिहैब सेंटर भेजा था हमारी तो सोच ही बदल गई है। हाँ सर, हम तो बिल्कुल बदल गए हैं, हमने तो 2 साल से कोई गलत काम भी नहीं किया। बिल्कुल सर, हम अब बिल्कुल शरीफ नागरिक बन चुके हैं सर। ठीक है तो प्यारे शरीफ नागरिकों, जरा ये देखो, इस लड़की के बारे में क्या जानते हो बताओ? इसको तो हमने लिफ्ट दी थी, इसकी मदद करी थी हमने सर। तारा ऐसे लिफ्ट लेना सही नहीं है। प्लीज मयंक रहने दो तुम। यस बोलिए। आप मुझे कांदीवली तक छोड़ देंगे? अर्जेंट है, प्लीज आइए बैठिए। थैंक यू सो मच, आपने मुझे लिफ्ट दी। दैट्स ओके, यू आर वेलकम। एक्सक्यूज मी, मैं आपका फोन यूज कर सकती हूँ? मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है और मेरे फोन की बैटरी डाउन है। या श्योर, व्हाई नॉट। थैंक यू। थैंक यू सो मच। काफी परेशान लग रही हो, ये चोट कैसे लगी? नहीं कुछ नहीं, वो आप प्लीज थोड़ा जल्दी चलाइएगा, मुझे जल्दी पहुंचना है। हाँ हाँ मैडम, चला ही रहा हूँ, आप टेंशन मत लो। ओए, टैंक फुल कर दे। आप लोगों ने गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? मैडम 5 मिनट गाड़ी अभी यहीं रुकेगी, फ्यूल भरवाना है और आगे के रास्ते के लिए कुछ सामान भी खरीदना है। चलो यार। चलो चल। ओ हेलो, सुनो तुम ये सब बाद में नहीं कर सकते, पहले मुझे छोड़ दो, मुझे लेट हो रहा है। ओ हेलो मैडम, एक तो हम आपकी मदद कर रहे हैं और ऊपर से तुम हम ही पे रोक झाड़ रही हो। मदद कर रही हो तो क्या एहसान कर रही हो मुझ पे? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मदद वदद, मैं टैक्सी कर लूंगी। अरे प्लीज परेशान मत हो, इतनी रात में कहाँ टैक्सी पकड़ोगी? अरे जाने दे यार इसे, जा कर ले टैक्सी। मोनी जाने दे। रिलैक्स रिलैक्स गाइस, लड़की है, ये रास्ता सेफ नहीं है, हमारे साथ रहो, सुरक्षित रहोगी और सामान लेने में 5 मिनट लगेंगे। बोला ना आपको मेरे पास वक्त नहीं है, आप लोग अपना सामान खरीदो मैं चली। अरे अच्छा हुआ गई, हम क्यों उसके नखरे झेले यार। चल 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 चलो। अच्छा थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि तुम्हें उसकी बहुत चिंता है कि उसको चोट कहां से लगी, कैसे लगी, और फिर अचानक उसे छोड़ के चले आए हैं? क्या करते सर, हमने तो रोकने की कोशिश की थी उसे, पर वो रुकी ही नहीं। जी सर, उसे ही जाने की जल्दी थी। कहां, कौन से पेट्रोल पंप पे छोड़ा था तुम लोगों ने? सर कुछ पूछ रहे हैं। जी 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 सर, वो कालीबन चौकी। कितने बजे छोड़ा था? 12:30 बजे सर। 12:30, सच बोल रहे हैं? यस सर। सर ये लोग तो बोल रहे हैं 12:30 बजे तारा को वहां छोड़ दिया था। और सालों के मुताबिक तो तारा की मौत रात के 2 और 4 बजे के बीच में हुई है। सर अगर वाकई इन लोगों ने तारा को 12:30 बजे छोड़ दिया था
तो उस डेढ़ घंटे में तारा के साथ हुआ क्या? पेट्रोल पंप, उस पेट्रोल पंप से ही पता चल जाएगा क्या हुआ था उस वक्त। नहीं सर, आप उन तीनों की बातों का बिल्कुल भी यकीन मत कीजिए, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। तुम्हारा मतलब है तारा का खून उन लोगों ने किया? किया तो नहीं, मगर कर सकते थे। देखो भाई, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें मत करो, जो कुछ भी कहना है साफ साफ बताओ। एक मिनट, ये उनको बुलाना जरा। उर्मिला जी, ये घड़ी तो, ये तो तारा ने पहनी थी ना, आपके पास कैसे आई? ये घड़ी ना मुझे सर उस लड़की ने दी थी। सीआईडी से झूठ बोल रही हो? वो झूठ नहीं बोल रही है, मैं आप लोगों को सब कुछ शुरू से बताता हूँ। सुनिए, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, आप प्लीज मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। कैसी मदद? मैंने इन लोगों से लिफ्ट ली थी, पर ये बहुत खतरनाक लोग हैं, मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ छिप जाऊँ? नहीं नहीं, हम किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहते, बस थोड़ी देर के लिए। आप ये घड़ी रख लीजिए, ये 3 लाख की है, पर प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे छुपा दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, यहीं छिप जाओ ना। थैंक यू। आप बाहर आ जाइए। आज आप लोगों ने मेरी जान बचा ली, थैंक यू सो मच। मेरी एक मदद और कर दीजिए, मुझे एक फोन करना है। आप पुलिस को क्यों नहीं बुला लेते? नहीं नहीं नहीं, वो मेरी कुछ ऐसी मजबूरी है कि मैं पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर सकती। बस एक फोन करना है मुझे अपने दोस्त को, सिर्फ एक फोन। दूसरा नंबर ट्राई कर लेती हूँ। ये कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हेलो, हाँ मैं ये हाईवे के पास वाले पेट्रोल पंप पे हूँ, हाँ मुझे यहाँ लेने आ जाओ। हाँ, जैसे यहाँ पहुँचोगे मुझे इसी नंबर पे कॉल बैक करना। ठीक है। हेलो, हाँ आ रही हूँ। मेरा दोस्त आ गया है कार लेके, मैं आप लोगों का ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। थैंक यू सो मच। वो उसका कौन दोस्त आया था उसको लेने, तारा को? साहब, उनकी कार तो बाहर मेन रोड पर खड़ी हुई थी, तो हमने ना कार को देखा ना उन्हें देखा। तो कोई दोस्त के नकाब में आया और तारा की जान लेकर निकल गया। सर, ऐसे दोस्त से तो दुश्मन अच्छे। दुश्मन था या दोस्त, जो भी था, ज्यादा देर तक बच नहीं पाएगा। बताओ क्या करने वाले थे तुम तारा के साथ, बताओ जल्दी। कुछ भी नहीं सर। कुछ भी नहीं कैसे? हाँ, तारा ने सब कुछ सुन लिया था, सब सुन लिया था तुम्हारे प्लानिंग के बारे में। क्यों क्यों मारा तारा को, क्यों मारा तारा को? सर सच कह रहे हैं, हमने नहीं मारा। तो फिर किसने मारा, किसने मारा तारा को? सर शायद उसके पति ने। पति? यस सर। तुम्हें कैसे मालूम उसका पति है? सर जब वो फोन पे बात कर रही थी तो हमने सुन लिया था। ये लो, फोन पर बात कर रही थी तब तुमने सुन लिया, मगर तुमने तो कहा कि उस वक्त तुम्हारी गाड़ी में तुम्हारा बैंड बज रहा था, म्यूजिक बज रहा था, इसलिए तुम्हें कुछ सुना ही नहीं पड़ा है ना? क्यों? झूठ कहा था सर, कार में कोई म्यूजिक नहीं था। वो हुआ ऐसा कि
एक्सक्यूज मी, मैं आपका फोन यूज कर सकती हूँ? मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है और मेरे फोन की बैटरी डाउन है। या श्योर, व्हाई नॉट। थैंक यू। हेलो, दिस इज तारा कुमार, रूम नंबर 603 से। जी देखिए, कोई भी कुंदन कुमार नाम का आदमी अगर मेरी मदर इन लॉ से मिलने आएगा तो प्लीज आप उसे मिलने मत दीजिएगा। मैडम, ये किस तरह के गेस्ट आते हैं आपसे मिलने? इस कुंदन ने तो तूफान मचा दिया, सब सामान तोड़ दिया, मैं होटल का नुकसान कर दिया, कंप्यूटर का मॉनिटर तोड़ दिया, फिर सिक्योरिटी को बुला के उसे बाहर भिगवाना पड़ा। आई एम रियली सॉरी, पर वो मेरा कोई गेस्ट वेस्ट नहीं है, मैं भी उससे बहुत परेशान हूँ। मैडम, मैं पुलिस में कंप्लेन कर रहा हूँ। नहीं नहीं, आप पुलिस में कंप्लेन मत कीजिएगा। आपका जितना भी नुकसान हुआ है ना, 1 लाख 2 लाख 3 लाख जितना भी, मैं सारी भरपाई कर दूंगी, पर प्लीज आप पुलिस में कंप्लेन मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच। भाई, टैंक फुल कर दे। इतना वक्त नहीं है मेरे पास, अगर आप लोगों को मेरी मदद करनी है ना तो प्लीज ठीक से कीजिए, प्लीज मुझे जल्दी वहाँ पहुँचा दीजिए। हाँ हाँ, चल रहे हैं, बस 2 मिनट, तुम शांत हो जाओ। शांत हो जाऊँ? कैसे शांत हो जाऊँ? आप लोग मेरी प्रॉब्लम क्यों नहीं समझ रहे हो? एक्सक्यूज मी, मैं फ्रेश होके आती हूँ। भाई, मेरे को तो लगता है ना कोई बड़ा जैकपॉट हाथ लगा है, लड़की खुद ही फंस गई है जाल में। सही बात है, बहुत अमीर लड़की है, एटीएम ले जाएंगे, पैसे निकलवाएंगे, घड़ी और गहने भी छीन लेंगे, फिर उसके पास सोचेंगे कि उसका क्या करना है। ये सही कह रही है भाई। काफी टाइम हो गया, ये अभी तक आई क्यों नहीं? कहाँ रह गई? मोहिनी, तू जा जरा वॉशरूम में चेक करके आ, कहाँ चली गई वो? भाई, प्लानिंग फेल नहीं होनी चाहिए, कई दिनों के बाद कोई लड़की फंसी है यार। अरे, वॉशरूम में तो कोई भी नहीं है। क्या, कहीं उसे हम पे शक तो नहीं हो गया? अच्छी खासी मछली जाल में फंस रही थी, हाथ से निकल गई। अब ठीक है, चल छोड़ यार, निकल गई ना, चल चल जल्दी कर। मैं सच कह रहा हूँ सर, हमारा इरादा सिर्फ उसके पैसे लूटने का था, हमने ना आज तक किसी का मर्डर किया है और ना करेंगे सर। देख, कुछ तो है जो हमारी नजरों से छूट रहा है, कुछ तो है, पर क्या समझ में नहीं आ रहा है। पूर्वी, एक काम करो, जितने भी सस्पेक्ट्स हैं ना, सबके फोटोग्राफ बोर्ड पर लगा दो। सर, ये हमारे 2 दिन की इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट, 3 अलग अलग सच, उन्हीं 1 कहानियां 3, मयंक, कुंदन और ये मुजरिम भाई बहन, मगर तीनों का यही कहना है कि उन्होंने तारा को नहीं मारा। लेकिन अभी जी, एक बात तो पक्की है कि इनमें से कोई तो एक है जो झूठ बोल रहा है। हाँ सर, और वो झूठा इंसान है मयंक। अच्छा, मयंक कैसे? पेट्रोल पंप के टेलीफोन रिकॉर्ड चेक कर लिए। उस रात तारा ने मदद के लिए 3 लोगों को फोन किया था, जॉन, रे और मयंक। और सर, इस मयंक ने फोन उठाया। हेलो, हाँ मैं ये हाईवे के पास वाले पेट्रोल पंप पे हूँ, हाँ मुझे यहाँ लेने आ जाओ। तो उस रात तारा को पिकअप करने ये मयंक आया था उस कार में। पंकज, इन सबको लेकर आओ यहाँ पर। क्या हुआ सर, खून किसने किया है पता चल गया क्या? हाँ, पता चल गया, खूनी वही है जिसने तारा को आखिरी बार जिंदा देखा। उसका दोस्त जिससे उसने फोन पे मदद मांगी थी। क्यों मैं ये कह रहा हूं ना पंकज, हथकड़ी पहना दो इसे। नहीं नहीं सर, मैंने नहीं मारा तारा को, और नहीं मेरे पास उसका कोई कॉल आया। सर, मैं तो उस दिन तारा को ड्रॉप करके सुबह 9 बजे तक सो रहा था सर। सर सच कह रहा हूँ मैं। तारा ने फोन नहीं किया था तुम्हें? किसके साथ बातें की उसने पेट्रोल पंप से?
सारे रिकॉर्ड चेक किए हमने पेट्रोल पंप के। सब जी, तुम दोनों में से किसी ने मेरा कॉल उठाया था? नहीं, हम लोग भी तो शराब पी के सो गए थे तेरी तरह। हाँ सर, हमें तो बात करने तक का होश नहीं था। देखो, ज्यादा देर तक झूठ तो नहीं बोल पाओगे, एक एक का लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा। नहीं बॉस, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बॉस, क्योंकि तारा का खून किसी लड़के ने नहीं बल्कि किसी लड़की ने किया। लड़की ने? तू इधर आ। यार ये तू इतनी यकीन के साथ कैसे कहता है? बॉस, मैंने तुम लोगों को बताया था ना, तारा के दांतों के बीच में से मुझे एक ब्राउन कलर के कपड़े का रेशा मिला था। और तो उस कपड़े के रेशे का क्या? उस रेशे में से मुझे किसी फीमेल परफ्यूम के अंश मिले। कौन हो सकती है लड़की? और सर, ऐसी लड़की जो मैंग का फोन उठा सकती है रात को। पूर्वी, तुम्हें पता है ना क्या करना है? हाँ सर। ससुराल जाने का वक्त आ गया मैडम। तुम सबका सच सुन लिया हमने, सबका अलग अलग सच, अलग अलग, मगर सच सिर्फ एक ही होता है, और वो सच बताया हमें संदीप ने। बताइए ना सर, खूनी मिल गया क्या? मिल गई। बताइए ना सर, खूनी मिल गया क्या? मिल गई। और उसे देख के आप लोग तो बहुत हैरान हो गए, खास तौर पे मैं। तुम सर, कौन है वो? ये है वो। चल। सोनिका, तुमने मारा तारा को? हाँ, इसी ने मारा, और तुम्हारा फोन उठाकर बात भी की तारा के साथ इसी ने। मैं तारा को नहीं मारना चाहती थी, लेकिन वो तुम्हारे और मेरे बीच में आ रही थी, और तुम भी तो सिर्फ तारा को प्यार करते हो, जब देखो तारा तारा तारा। मैं तुम्हें मेरी गाड़ी से होटल तक ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है मयंक, तुम कहाँ जा रहे हो? सोनी का वो प्रॉब्लम है, उसे ड्रॉप करके आता हूँ होटल में। तारा अपने आप जा सकती है ना, तुम मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हो? कम ऑन सोनी का यार, वो प्रॉब्लम है, मैं उसे ऐसे नहीं रख सकता। वो प्रॉब्लम है ना, तो तुम्हें क्या तकलीफ है? सोनी का ऐसी कोई बात नहीं है। मयंक, मैं जा रही हूँ, तुम आ रहे हो या नहीं? हाँ, सोनी का मैं उसे ड्रॉप करके। प्लीज मयंक, तुम ऐसे समझो ना यार। मयंक, मयंक, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सच्ची मयंक, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो फिर हमको शादी कर लेना चाहिए ना, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ तारा। मैं तुम्हारे लिए किसी और की जान ले भी सकती हूँ। हेलो। हेलो, हाँ मैं ये हाईवे के पास वाले पेट्रोल पंप पे हूँ। हाँ, मुझे यहाँ लेने आ जाओ। आ रही हूँ। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? ये लो, ये कॉफी पियो ना, यू विल फील बेटर। थैंक यू। या यू फीलिंग बेटर नाउ? या
सॉरी तारा, मैं तुम्हें मारना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अगर तुम्हें जिंदा छोड़ दिया तो मयंक मेरा कभी नहीं हो पाएगा। क्या किया सोनी का तुमने? अरे तारा तो मुझसे यूं भी शादी नहीं करने वाली थी, उसको मारकर क्या हासिल हुआ तुम्हें? डर गई थी मैं। मैं तुम्हें नहीं खो सकती, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। लेकिन अब तो तुम्हें इसके बिना ही रहना पड़ेगा। जेल की सलाखों के पीछे अपना प्यार हासिल करने के लिए तुमने जो रास्ता अपनाया ना, वो रास्ता तुम्हें सीधे फांसी के फंदे तक ले जाएगा।